बात 1977 की है, जब लंबे चौड़े कद का शख्स नई दिल्ली की भीड़ी भाड़ी गलियों से निकलते हुए एक घर के सामने जाकर रुकता है। घर की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, खस्ता दीवारें और टूटा फूटा सा गेट सामने था। इस गेट से एक अधेड़ उम्र की महिला बाहर आती है। दोनों हाथों को जोड़ते हुए वो शख्स जैसे ही एक कदम अंदर रखता है, उसकी नजर एक 21 साल की लड़की पर पड़ती है, जो लालटेन की थोड़ी सी रोशनी में अपनी किताबों में डूबी हुई थी। उस शख्स ने लड़की से पूछा, बेटी क्या बनना चाहती हो? सामने से तेज तर्रार आवाज में जवाब आता है, आईएएस ऑफिसर। तभी वो शख्स बोल उठता है, मैं तुम्हें उस मुकाम तक लेकर जाऊंगा जहां कई आईएएस ऑफिसर्स तुम्हारे आगे पीछे लाइन लगाकर खड़े होंगे। अब तुम डिसाइड करो कि तुम्हें क्या बनना है। ये सुनकर वो लड़की अपना बैग पैक करके घर से निकल पड़ती है। और इसके बाद वो लड़की राजनीति के दंगल में बड़े बड़े धुरंधरों को धूल चटा देती है। जी हाँ, लेकिन आखिर कौन थी वो लड़की और आज कहाँ है? कितना मुश्किल रहा उसका ये सफर, आज हम इसी अद्भुत कहानी की बात करेंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। देखिए, दिल्ली में रहने वाली एक 10 साल की लड़की, जिसकी माँ ने 3 बेटियों के बाद एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन 2 दिन बाद ही उस बच्चे को निमोनिया हो जाता है। बच्चे को इलाज के लिए 6 किलोमीटर दूर राजेंद्र नगर की डिस्पेंसरी में ले जाना था। उस वक्त लड़की के पिता घर पर नहीं थे, माँ बिस्तर से उठने की हालत में नहीं थी। ऐसे में उस लड़की को कुछ समझ नहीं आया। वो अचानक उठी और अपने पिता का डिस्पेंसरी कार्ड उठाया, एक बोतल पानी भरा और बच्चे को उठाकर पैदल चल पड़ी। रास्ते में जब भी बच्चा रोता, लड़की उसके मुंह में पानी की कुछ बूंदें डाल देती। रास्ता लंबा था, कभी बच्चे को दाएं कंधे की तरफ करती तो कभी बाएं। पसीने से तरबतर आखिर में वो अस्पताल पहुंची गई। समय पर बच्चे का इलाज शुरू हुआ और 3 घंटे बाद उसकी हालत में सुधार आ गया। लड़की ने फिर से बच्चे को गोद में उठाया और पैदल ही घर के लिए निकल पड़ी। जब वो घर पहुंची तो रात के 9:30 बज चुके थे। उसे देखकर पिता की आंखों से आंसू टपक पड़े। ये वही आंखें थी जो उस लड़की के जन्म पर भी खूब रोई थी। यहाँ तक कि उसके पिता ने दूसरी शादी करने का मन बना लिया था। तब वो ये कहां जानते थे कि उनकी बेटी इतनी साहसी और बहादुर बनेगी। और ये तो बस शुरुआत थी। असल में ये 10 साल की बच्ची पूरी देश की राजनीति को हिलाने की ताकत रखती थी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आगे चलकर वो महज 38 साल की उम्र में देश की पहली दलित महिला सीएम बनी। जी हाँ, और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि यूपी की फॉर्मर सीएम मायावती है, जो 68 साल की हो चुकी हैं। उन्होंने लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। बचपन भी काफी दुख में बीता, पिता का प्यार नहीं मिला, नेता बनना चाहा तो परिवार का सपोर्ट नहीं मिला, मजबूरी में उसे घर तक छोड़ना पड़ा। बावजूद इसके मायावती ने दिल्ली की गलियों से निकलकर भैया मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया है और आज यूपी की राजनीति में सबसे बड़े चेहरों में से एक है। उनकी लाइफ की ये कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है, जिसकी शुरुआत होती है 15 जनवरी 1956 से। बादलपुर गांव में पोस्ट ऑफिस क्लर्क प्रभुदास के घर एक बच्ची की किलकारी गूंजी, नाम रखा गया मायावती। मायावती अपने घर की तीसरी बेटी थी, उनका कोई बड़ा भाई नहीं था। घर में लगातार तीसरी बार लड़की के जन्म से उसके पिता बहुत दुखी थे। उन्हें अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए एक बेटा चाहिए था। मायावती के जन्म के बाद प्रभुदास के रिश्तेदारों ने उसे भड़काना शुरू कर दिया कि वो अपनी पत्नी रामरती को तलाक दे दे। उनका कहना था कि रामरती ने लगातार 3 बेटियां पैदा की हैं, उन्हें अगर लड़का चाहिए तो दूसरी शादी करनी ही होगी। प्रभुदास ने कुछ वक्त सोचा और फिर दूसरी शादी के लिए तैयार हो गए। हालांकि मायावती के दादा को जब ये बात पता चली तो उन्होंने प्रभुदास को दूसरी शादी करने से रोक दिया। खैर, समय तेजी से बीत रहा था और अब मायावती 3 से 4 साल की हो चुकी थी। उस बच्ची में एक ऐसा तेज था जो उसे आम से खास बनाता था। दरअसल एक बार की बात है, जब माया अपने ननिहाल सिमरौली गई हुई थी, गांव के पास ही एक छोटी नदी बहती थी, काली नदी। वो अपने नाना के साथ उसी के पास खड़ी थी। तभी उनकी नजर एक लकड़ पक्के पर पड़ती है जो वहां से गुजर रहा था। उनके नाना ने कसकर माया का हाथ पकड़ा और उसे लकड़ बग्गे से दूर ले गए। ये सब देखकर माया से रहा नहीं गया और उसने पूछ डाला कि नाना ये क्या है? नाना ने बताया कि ये एक लकड़ बग्गा है, इससे दूर ही रहना वरना खा जाएगा। नाना ने इतना बोलकर दूसरी तरफ देखा ही था कि मायावती बोली, ये मुझे कैसे खाएगा? इससे पहले मैं ही इसे खा जाऊंगी। अब इतना बोलकर वो लकड़ बग्गे के पीछे दौड़ पड़ी। वहां खड़े गांव वालों ने जब ये नजारा देखा तो उन्हें बीच में ही रोक लिया। इस पूरे किस्से का जिक्र लेखक अजय बोस ने मायावती पर लिखी किताब
बहनजी में भी किया है। मायावती के बाद प्रभुदास को लगातार 6 बेटे हुए। वो इस बात से फूले नहीं समाते थे कि वो 6 बेटों के पिता हैं। अब बेटों के आने के बाद अपनी बेटियों के लिए उनका बिहेवियर भी बदल गया था। सभी भाई बहनों में मायावती पढ़ने में सबसे अच्छी थी वैसे। इसके बावजूद भी उनके पिता ने माया और उनकी बहनों का एडमिशन सस्ते से सरकारी स्कूल में करवा दिया, जबकि बेटे प्राइवेट स्कूल में जाते थे। ये भेदभाव मायावती को कांटे की तरह चुभता था, जिससे परेशान होकर मायावती ने ठान ली थी कि भाई अब वो बड़ी होकर एक दिन IAS ऑफिसर जरूर बनेगी। बस फिर क्या था, वो दिन रात अपने इस सपने को पूरा करने में जुट गई। स्कूल पास करने के बाद उन्होंने साल 1975 में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स से BA किया। उसके बाद BEd करके वो स्कूल में एक टीचर की नौकरी करने लगी। दिन भर वो स्कूल में पढ़ाती और फिर घर जाकर UPSC की तैयारी करती। इसके साथ साथ उन्होंने LLB की डिग्री भी हासिल की। इस दौरान उनकी लाइफ में आया एक टर्निंग पॉइंट, जिसने उनकी लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। दरअसल एक दिन दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, जहां उस वक्त के हेल्थ मिनिस्टर राज नारायण स्पीच देने वाले थे और मायावती भी वहां पर मौजूद थी। कुछ देर बाद राज नारायण का भाषण शुरू हुआ। उन्होंने जैसे ही दलितों को हरिजन कहकर संबोधित किया, मायावती नाराज हो गई। वो स्टेज पर चढ़ी और इस बात का विरोध करके तेज तर्रार भाषण दिया। भाषण खत्म होते ही पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा था। वहां मौजूद लोगों ने मायावती के इस फायर ब्रांड अवतार की खूब तारीफ की। भाई सम्मेलन भले ही खत्म हो चुका था, लेकिन हर जगह इसी बात की चर्चा चल रही थी। ऐसे ही चलते फिरते ये बात इंडियन पॉलिटिशियन और सोशल रिफॉर्मर काशीराम के कानों में भी पड़ी। अब जब उन्हें इस बात का पता चला, तो वो अगले ही दिन मायावती से मिलने उनके घर पहुंच गए। मायावती उस समय लालटेन की रोशनी में पढ़ाई कर रही थी। काशीराम ने उनसे पूछा कि तुम क्या बनना चाहती हो। मायावती ने फटाक से जवाब दिया था, IAS ऑफिसर, ताकि अपने समाज के लिए कुछ कर सकूं। अब मायावती का ये जवाब सुनकर काशीराम ने कहा कि मैं तुम्हें उस मुकाम तक ले जाऊंगा जहां दर्जनों IAS ऑफिसर तुम्हारे सामने लाइन लगाकर खड़े होंगे। सही मायने में तुम अपने समाज की सेवा तब कर पाओगी। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम क्या बनना चाहती हो। अब काशीराम की बात पर थोड़ी देर सोच विचार करने के बाद मायावती को समझ आ चुका था कि अब उसे कुछ बड़ा जरूर करना है। लेकिन मायावती के रास्ते में कई सारी चुनौतियां थी। जी हाँ, और चुनौतियों की शुरुआत उनके घर से ही शुरू हो जाती है। दरअसल उनके पिता नहीं चाहते थे कि वो पॉलिटिक्स में जाएं, इसलिए उन्होंने मायावती पर UPSC की तैयारी करने का दबाव डाला। लेकिन वो तो अब मन बना चुकी थी और उन्हें अपने पिता की ये इच्छा मंजूर नहीं थी। उन्होंने टीचिंग से जुटाई हुई कमाई इकट्ठा की, सूटकेस में कपड़े भरे और घर से निकल पड़े। अब यहाँ भी एक दिक्कत थी। दरअसल उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो किराए पर रूम ले सके, इसलिए वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस में आकर रहने लगे। इसके लिए उन्होंने काशीराम के साथ मिलकर कई आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। साल 1984 बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा की स्थापना होती है, तब मायावती उसकी कोर टीम का हिस्सा बनी थी। उन्होंने इसी साल पहली बार कैराना से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गई। इसके बाद उन्हें 1985 में बिजनौर और 1987 में हरिद्वार से भी हार मिली। आखिरकार 1989 के बाई इलेक्शन में मायावती बिजनौर सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंच गई। फिर साल 1991 आता है और देश में एक बार फिर लोकसभा चुनाव हुए, लेकिन बसपा 2 ही सीटें जीत सकी। इस बार भी मायावती बिजनौर और हरिद्वार दोनों जगह से चुनाव हार गई। खैर, ये तो थी मायावती के बचपन से लेकर उनके राजनीति में पहुंचने तक की कहानी, क्योंकि इसके बाद तो मानो उनकी जिंदगी ने तूफानी तरीके से करवट बदली है और उत्तर प्रदेश के CM पद की कुर्सी तक जा पहुंची। दिसंबर 1991, जगह बुलंदशहर। मायावती और एक DM के बीच बैलेट पेपर देखने को लेकर छीना झपटी होने लगी। बात हाथापाई तक पहुंच गई। इसी मामले में मायावती को गिरफ्तार करके इलाहाबाद की नैनी सेंट्रल जेल डाल दिया गया। इसके बाद लखनऊ हाई कोर्ट में उनकी पेशी हुई। इलाहाबाद नैनी सेंट्रल जेल से लखनऊ हाई कोर्ट तक का ये सफर ट्रेन से तय किया गया। वहां से लौटते वक्त जब ट्रेन प्रयाग स्टेशन के पास आकर खड़ी हुई, तो माया को वहीं उतार लिया गया। ये शॉकिंग जरूर था, लेकिन मायावती ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और रेलवे लाइन पार करने लगी। तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर ने उनका एनकाउंटर करने के लिए अपनी रिवॉल्वर निकाली। जी हाँ, वो फायर करता। उससे पहले ही स्टेशन पर मौजूद आर्मी ऑफिसर्स की नजर इंस्पेक्टर पर पड़ती है और उन्होंने उसे गोली चलाने से रोक दिया। तब जैसे तैसे मायावती की जान बच गई। मायावती ने इनकाउंटर की कोशिश का ये किस्सा उनके करीबी सर्वर हुसैन ने मीडिया से शेयर किया था। खैर,
कुछ वक्त बीता और मायावती जेल से रिहा कर दी गईं। इसके बाद काशीराम की मदद से उन्होंने सियासत के दांव पेच सीखे। वो एक बेहतरीन और तेज तर्रार वक्ता थी, इसलिए उनकी पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ने लगी। इसी के चलते साल 1993 में उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर यूपी में चुनाव लड़ा और सरकार बनाई। इसके बाद 3 अप्रैल 1994 को वो राज्यसभा पहुंची। अपर हाउस में वो बीएसपी की पहली सांसद थी। अब 1 जून 1995 को मुलायम सिंह को खबर मिलती है कि भाई बसपा अपना समर्थन वापस लेने जा रही है और मायावती ने उस वक्त के राज्यपाल मोतीलाल वोरा से मिलकर बीजेपी के साथ सरकार बनाने का प्रस्ताव रखा है। ये सुनते ही मुलायम गुस्से से लाल हो गए। बसपा के स्टेट प्रेसिडेंट राम बहादुर को अपने पाले में कर लिया। उनके साथ 15 और विधायक भी उनके खेमे में आ गए। लेकिन दल बदल कानून से बचने के लिए एक तिहाई सदस्यों की जरूरत होती है, यानी उन्हें 8 और विधायक चाहिए थे। तब काशीराम अस्पताल में थे और इस वजह से मुलायम सिंह इस बात को लेकर बेफिक्र थे कि सरकार चलती रहेगी, क्योंकि बसपा के कई विधायक पहले से ही सपा की जेब में थे। लेकिन जब समर्थन वापस लेने की बात आई तो ये डिसाइड हुआ कि बसपा के कुछ और विधायकों को अपने पाले में मिलाया जाएगा, चाहे इसके लिए उन्हें डराना धमकाना ही क्यों ना पड़े। अब हुआ भी कुछ ऐसा ही। दरअसल बात 2 जून 1995 की है, जब मायावती लखनऊ के मीराबाई स्टेट गेस्ट हाउस में पार्टी के विधायकों और सांसदों के साथ मीटिंग कर रही थी। उस वक्त वो इसी गेस्ट हाउस के रूम नंबर 1 में रहती थी। सभी विधायक कॉमन हॉल में बैठे थे, 4 बज रहे थे। तभी सपा के करीब 200 कार्यकर्ता और विधायकों ने गेस्ट हाउस में एंटर किया। सपा कार्यकर्ता भत्ती भत्ती गालियां दे रहे थे। बसपा के विधायकों ने मेन गेट बंद करने की कोशिश की, लेकिन तभी उग्र भीड़ ने उसे तोड़ दिया। इसके बाद वो लोग बसपा के विधायकों पर टूट पड़े। उन्हें हाथ लात और डंडों से पीटा जाने लगा। मायावती के साथ बदसलूकी की गई। हालांकि इस बीच उन्होंने भागकर अपने आप को एक कमरे में बंद जरूर कर लिया। उपद्रव कर रहे लोग जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे। वो चिल्ला चिल्ला कर एक ही बात कह रहे थे कि उस औरत को घसीट कर बाहर निकालो। अब उस वक्त क्या है कि पेचर का चलन था। जैसे तैसे प्रशासन को सूचना दी गई। देर रात तक भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। माहौल शांत होने के बाद मायावती को कमरे से बाहर निकाला गया। इसके बाद साल 1995 में राज्यपाल ने मुलायम सिंह यादव को बाहर का रास्ता दिखा दिया और मायावती बीजेपी के समर्थन के साथ यूपी की सीएम बन गई। सीएम की कुर्सी तक पहुंचने वाली वो देश की पहली दलित महिला सीएम थी। जी हाँ, उस वक्त के पीएम पीवी नरसिम्हा राव ने इसे लोकतंत्र का चमत्कार कहा था। अब इसके बाद तो धीरे धीरे मायावती सियासत की मंझी हुई खिलाड़ी बन गई। संघर्ष हुआ, सियासी गुणा भाग हुआ, लेकिन मायावती का सटीक निशाना लगता रहा। इसके बाद साल 1997, 2002 और 2007 में भी मायावती ने सीएम के तौर पर यूपी की कमान संभाली। इसी बीच साल 2003 में उन्हें बीएसपी का नेशनल प्रेसिडेंट चुना गया। तब से लेकर आज तक वो बीएसपी की सबसे बड़ी नेता और यूपी की सियासत के बड़े चेहरों में से एक है। फिलहाल मायावती साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रही हैं। वहीं मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी का अगला उत्तराधिकारी डिक्लेयर कर दिया है। खैर, दिल्ली की गलियों से निकलकर मायावती के 4 बार मुख्यमंत्री तक का सफर अद्भुत था। आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।